फाइनली फाइनली गाइस, संदीप लमेचान इज बैक यार। ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है गाइस यार। यकीन माने जब ये न्यूज मैंने सुना गाइस यार, मैं इतना खुश हुआ और मैंने इतना ऊंचे ऊंचे चलांगे मारे गाइस। इतना मतलब इतना ऊंचे ऊंचे चलांगे मेरे मारे जब संदीप भाई की मैंने न्यूज सुना और उसके जब केस का मतलब सोल्यूशन निकला, और वल्ला इतना खुशी गाइस। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका फैन भी इतना खुश नहीं होगी, ना इसका माँ बाप इतना खुश होंगे, ना संदीप भाई इतना खुश नहीं होगे जो मैं इतना खुश था यार। यकीन मानिए गाइस, अभी वो खुशी अभी मेरे दिल पे नहीं आ रही क्योंकि यार वीडियो लेट बना रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो को जल्दी शूट कर लो लेकिन ना हुआ। तो गाइस फाइनली संदीप भाई को एंट्री मिल गया वर्ल्ड कप में गाइस। फाइनली गाइस, अभी किंग आ गया यार। यकीन मानिए संदीप भाई को एंट्री मिल गया वर्ल्ड कप में गाइस। वो इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, जो आने वाला वर्ल्ड कप है ना T20 आने वाले गाइस, को इसमें एंट्री मारेगा। वो आएगा खेलने के लिए आएगा भाई। वो यार हेटर का क्या होगा यार, सुनती भी मैं बहुत खुश हुआ यार। यकीन मानिए गाइस, और मैंने संदीप भाई के लिए बहुत आवाज़ें उठाई है अपनी पुराने चैनल पे, जो मेरा बैंड हो गया उसके ऊपर भी मैंने संदीप भाई के लिए बहुत वीडियो बनाया था। टिकटॉक का अकाउंट पे मैंने बहुत वीडियो डाले थे संदीप भाई के लिए, मैंने उसके लिए बहुत ही सपोर्ट किया था, लेकिन मेरे वीडियो से कुछ नहीं हुआ। संदीप भाई को अपना खुद ही किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं, सपोर्ट किया है लोगों ने, सपोर्ट किया है पाकिस्तान से बहुत बड़े यूट्यूबर ने उनको सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेपाल में भी लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन भाई उनके लिए इतना किसी ने सपोर्ट नहीं किया है जो कि मैं क्या बताऊँ। मतलब संदीप भाई को जो इंसाफ जो कि अपना एंट्री मेरा, वो खुद ही गवर्नमेंट की तरफ से मेरा है, क्योंकि उसका जो केस हुआ था, आप लोग बताए कि वो रेप के केस में काठमांडू में जो एक रेप केस हुआ था, तो उसके थ्रू संदीप भाई को इतना टाइम से बन किया था, वो खेलने में मतलब उसको नहीं दे रहा था। तो संदीप भाई एक अच्छा प्लेयर है नेपाल का, और जब वो ग्राउंड पे आते हैं ना तो भाई सामने वाले प्लेयर की भी बोलते बन होते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा यार, इज द ग्रेट प्लेयर। एक ऐसा प्लेयर है जैसे कि आप लोग पता है कि पाकिस्तान के लिए जब आमिर ने एंट्री मारा तो भाई पब्लिक की मतलब लोगों को कुछ अलग लेवल का रिएक्शन था। बाबर आजम को देखो भाई, इंडिया के घर में बात करो, बुमराह कितना अच्छा प्लेयर है भाई। इस तरह विराट कोहली कितना अच्छा प्लेयर है ना, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। इस तरह अगर मैं बात करो ऑस्ट्रेलिया टीम की, मैक्सवेल कितना अच्छा प्लेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर है जो कि हर टीम में अच्छे प्लेयर है। तो संदीप भाई भी नेपाल का एक हीरो प्लेयर है, और यार यकीन मानिएगा इसमें इतना खुश हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने नेपाल से देखने वाले लोग हैं, जितने भी देखने वाले, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई रोडों को बंद करो, बाहर निकलो भाई, सब इंजॉय कर रहे हो संदीप भाई के लिए। ये ऐसा देने जैसे कि गाइस होली होते होली होली कितने खुशी से लोग होली मनाते ना, इस तरह भाई ये भी एक खुशी का दिन है यार। आप लोग बाहर निकलो रोड पे, रोड को ब्लॉक करो भाई, वहाँ पे डांस करने लग जाओ मेरे साथ कुछ शेयर है कि मैं खुद डांसिंग करने लगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को न्यूज़ दे रहा था ताकि हमारा सब्सक्राइबर जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पता चल जाए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत मैसेज आ रहा है, वसीम भाई संदीप भाई को एंट्री मिल गया, इसके ऊपर वीडियो बना लो यार। थोड़ा सा मेरा यूट्यूब चैनल की व्यूज डाउन है, और आई होप कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या ना, बट मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को डाल दो, ठीक है। और सो गाइस बहुत खुशी हुआ, आई होप गाइस आप लोग को ये पैगाम पहुँचे होंगे और आप लोग इससे बहुत खुश होंगे, और आप लोग को अपना संदीप भाई मिल गया वापस। इंशाल्लाह संदीप भाई आप लोग के लिए बहुत बड़े बड़े मतलब खुशी आप लोग को दिलाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। संदीप भाई एक किंग प्लेयर है, किंग। सो गाइस वीडियो भी हैपिंग करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं इस तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। सो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं।